नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव में आयोजित बीजेपी की नामांकन रैली में शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 3 सीटों महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में आज नामांकन जमा करने का अंतिम दिन है। राजनांदगांव से बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडे ने पर्चा दाखिल किया। इससे पहले इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल नामांकन जमा कर चुके हैं। वहीं कांकेर और महासमुंद में भी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी नॉमिनेशन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम मोदी पर चरणदास महंत के बयान से कांग्रेस की संस्कृति उजागर हुई है। प्रधानमंत्री को कांग्रेस नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, अब देखिए जनता ने उन्हें कहां लाकर खड़ा किया है। त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सब दुनिया दुनिया रहा है। 2014 पहली भारत के गांव गांव शहर शहर में बम फूटे। अभी कोनो बम फूटे का बता तो बम भोरैया जाना था, बम भोर के दिया जा। हाँ, तब बिरयानी कोनो नहीं खिला है, डंडम मार ही गई जाना ते घर दे दिया हमें। क्लियर है मामला भैया? 500 साल तक अगोरिन सारा जनता और सारा जनता अगोरिन ध्यान प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर, भारतीय जन चेतना के प्रतिमान, उनका भक्त मंदिर अयोध्या जी में निर्मित हो से और भगवान विराजमान हो ने। ये अच्छा बड़ बड़ काम मोदी जी के शासन काल में हो है, अच्छा बड़ बड़ काम हो है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, विकट अकन लंबा लिस्ट है, जब ज्यादा बेरा नहीं है बोले के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सुने पर आए हन। इहो भी छत्तीसगढ़ में नवा सरकार विष्णुदेव जी के सरकार बने के बाद 3 महीना के अंदर अंदर अच्छा काम हो है कि पूरा देश में, पूरा देश में कोनो राज्य के सरकार ऐसा नहीं है जिन 3 महीना में अतेक काम करके दिखाई से। मैं संगी संगवारी थोड़ा निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, कवर्धा तक वहां आएगा, कवर्धा जिला वाले का, कवर्धा जिला वाले का हाथ उठाओगा? और वो दीदी मन सब आए हैं, देखे रहे भैया, देखे रहूगा। कवर्धा जिला में जिला के मिला के चक्का वोट माते अपन विधायक मन ल जितवाए हस। और मोर चुनाव तो हो गएगा भैया, ये मोदी जी के चुनाव है, मोदी जी के चुनाव। अरे 4 वोट यादर पाही फिर कम नहीं होना चाहिए संगवारी, ये बात तो हम सब याद रखी। भजन बात कवर्धा पंडरिया के है, देने बाद राजनांदगांव, मानपुर, मोहला, डोंगरगढ़, खुची और डोंगरगांव पर तत्व होना चाहिए, खैरागढ़ भी हुई होना चाहिए। मैं निवेदन पूर्वक आप सब जन कहना चाहता हूँ और विशेष रूप से मंच में हम सब के बीच विराजमान हमर मुखिया, हमर नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो। ये सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी के गारंटी ला साय साय पूरा करैया आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में मौजूद, हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे ये लोकसभा क्षेत्र के सहज सरल मेहनती प्रत्याशी आदरणीय संतोष पांडे जी मंच में विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के जम्मो बड़े बड़े नेता मन और अतेक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो भाई बहनी मल्ला, मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ। अभी दिनेश भाई कहत रही है कि नारा लगात रहे, अभी 4 महीना पहली जब विधानसभा के चुनाव हुई तो पूरा छत्तीसगढ़ में एक नारा गूंजत रही से, का नारा रही से सुनता है, अरे ओ नहीं सही बो, अरे ओ नहीं सही बो, बदलीस के नहीं। हम सभी के बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी, लोकप्रिय, सहज, सरल ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच है। करतल धोनी से आप उनका अभिनंदन करें।
और लगातार पिछले विधानसभा चुनाव और उसके एक साल पहले से और अभी लोकसभा चुनाव में पहले सह प्रभारी थे, अभी हम सभी को प्रभारी के दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रांत भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव के प्रभारी भी और बिहार शासन में कैबिनेट मंत्री के रूप में हम सबके बीच उपस्थित है आदरणीय नितिन नवीन जी, करतल धोनी से अभिनंदन करें सब। मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय अरुण साहु जी, हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, नारायण चंदेल जी, अशोक शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजेश मूलक जी, जिला के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मंत्री मधुसूदन जी, जिला के अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायकगण, भूपेन्द्र सविनी जी, संभाग के प्रभारी अभिषेक सिंह जी, पूर्व सांसद, हमारे सबो नेता मल्ल सुने, प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हमारे दोनों डिप्टी सीएम और प्रत्याशी भी आपन से आशीर्वाद मांगेंगे, तो करले पहली और नेता मल्ल भी आपन सुने हो। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ये जो लोकसभा के चुनाव है ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बस चुनाव है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं, तो ऐसे काम नहीं चले, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के भीज के अपन बताओ। हमारे चुनाव के प्रदेश के प्रभारी यहाँ बैठी ने नितिन नवीन जी, हमारा पता चलना चाहिए कि आपन सब संकल्प ले हो कि तीसरी बार मोदी जिला प्रधानमंत्री बनाना है, दोनों हाथ भीज के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल से देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं, आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज 140 करोड़ भारतवासी के मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री, आज जहां भी जाते विदेश में वहां पूरा मोदी मोदी के नारा लगते, ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके विकास पर काम करते है कि नहीं, तो ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार और प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो क्या करना पड़ी? आप मन के क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी, बोला प्रचंड मतों से जीता के सांसद बना के दिल्ली भेजना पड़ी। एक बार आपन बनाए रहा 5 साल सांसद के रूप में बहुत अच्छा काम करें, जब लोकसभा के सत्र चलत रही तो आपन देखत रहा ना कैसे मजबूती के साथ प्रदेश के समस्या आप मन के राजनांदगांव के समस्या ला पार्लियामेंट में उठात रही। एक प्रखर वक्ता और संगठन में लंबा काम करे के अनुभव ऐसा लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी, मल्ला आप मल्ला 26 अप्रैल के अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के प्रचंड मतों से सांसद बना के भेजना है, और एक कांग्रेस पार्टी ला सबक सिखाना है। 5 साल ठग के राज करीन एक बड़ा। कोरबा से भाजपा की उम्मीदवार सुश्री सरोज पांडे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर में लाठी मारने वाले बयान का जवाब जनता जरूर देगी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती ज्योत्सना महंत का आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कंबल ओढ़ के घी पीना कोई सीखे तो इनके पति चरणदास महंत से सीखे। सुश्री सरोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा आक्षेप करने वाले चरणदास महंत को मैं कहना चाहती हूं कि 140 करोड़ जनता उनके सामने खड़ी है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। चरणदास महंत में ये ताकत नहीं है और ऐसा कहने वाले की बुद्धि एवं विवेक का दिवाला निकल गया है। कांग्रेस के नेता अपनी हार से बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? कांग्रेस की सांसद ने कहा है कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और ये बात
वो आए बाएं करके नहीं बोली है, सीधी सादी होने के कारण सच्ची बोल गई है। और उन्होंने कहा कि मैं पाक साफ हूँ। अब अभी उनके पति चरणदास महंत विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो गए राजनाथ गांव में भाषण देने। आते हैं रात में चुपचाप 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 सबको मिलके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कितना काम किए हैं आप यहाँ पर। कंबल ओढ़कर घी पीना कोई सीखे तो वो इनके पति चरणदास महंत जी से सीखे। लेकिन इन्होंने जाकर राजनाथ गांव में कहा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने हम बहनों की चिंता किया, हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों की चिंता की, जिन्होंने युवाओं को रोजगार देने की चिंता करी, 10 साल में जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, ये बार बार वो प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम राहुल गांधी करते हैं। कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अरे टूटा ही कब था जब जोड़ने निकलते हैं, हमको समझ नहीं आता। उसी लाइन पे ये चरणदास महन जी ने कहा कि भूपेश बघेल जाएंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री जी के सिर पर लाठी मारेंगे, उनके मुड़ी को फोड़ देंगे। कहते हैं ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर ऐसा आक्षेप करने वाले चरणदास महन जी को मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबको गुजरना पड़ेगा। हम सब लोगों के हजारों करोड़ों कार्यकर्ता नहीं, 150 करोड़, 140 करोड़ जनता उनके सामने खड़ी है और जनता इसका जवाब उनको जरूर देगी। चरणदास महंत में ये ताकत नहीं है। और ऐसा कहने वाले, इनके बुद्धि और विवेक का दीवाला निकल गया है। कांग्रेस के नेता अपनी हार से बौखला गए। उनको दिखाई देता है कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र से वो हार रहे हैं, ये हार की बौखलाहट जबान पर है। और कांग्रेस के नेता की ये हार की बौखलाहट इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ में हम सभी सीटें जीत रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा राजनांदगांव की बहरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लाठी मारने और सिर फोड़ने जैसे बेतुके बयान की कड़ी निंदा करते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि मोदी जी को कांग्रेसियों ने जितनी बार भी अपशब्द कहे हैं, चुनाव परिणाम में कांग्रेस को मुंह के बल गिरना पड़ा है। उन्होंने डॉक्टर चरणदास महंत को चुनौती देते हुए कहा कि लाठी मारने की ओछी हरकत कर अपना बड़प्पन दिखाना ही है तो आप रिकेश सेन को लाठी मार लीजिए, क्योंकि मोदी जी तक पहुंचना आप जैसे नेताओं के बस की बात नहीं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा सार हुए, और ये देवेन भी खड़े हो सकते हैं, सी लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके थे। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तोर पर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जीता। दास महन जी, मैं आपको छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का बड़ा नेता समझता था, लेकिन आपने बहुत छोटी बात और बहुत छोटी हरकत की है। आपने कहा कि मोदी जी को लाठी मारेंगे, पहली लाठी आप मुझे मारिए, लेकिन आपके कांग्रेस का चेहरा साफ दिखता है। जब जब आप लोगों ने मोदी जी को गाली देने का काम किया है, तब तब मोदी जी का व्यक्तित्व निखरा है। कभी आपने मोदी जी को नीच कहा है, आपके नेता ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी है, और जब जब मोदी जी के विषय पे आप शब्द आप लोगों के कांग्रेस के परिवार ने कहा है, तब तब लोगों का जनता का प्यार और मिला है। याद रखिएगा, 400 पार होगा और इस बार लोकसभा में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। आप जितना भी गाली देंगे, जितना भी गाली देंगे उतना वोट बढ़ेगा, और लाठी मारने की बात होगी तो पहली लाठी मुझे मारिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
राजनांदगांव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने खेद जताया है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर बुरा लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। राजनांदगांव में दिए गए मेरे बयान पर तिल का ताड़ बनाया गया है। मेरे कहने का मतलब है उसे गलत ढंग से प्रचारित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शुद्ध रूप से कबीरपंथी हूँ। मैं किसी के अपमान और प्रधानमंत्री के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे बारे में जो भी प्रचारित किया जा रहा है वह हास्यास्पद है। के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता था। यह वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक।
छावनी भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949 9893999132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर वन हैवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा दिए गए स्पीच पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए दुर्ग शहर के भाजपाइयों ने कांग्रेस भवन का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौजूद पुलिस ने भीड़ को रोका। लोकसभा चुनाव के चलते अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया है। इसके चलते सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा किए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में स्पीच व्यक्त की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। भाजपाई जिला भाजपा कार्यालय से विरोध स्वरूप प्रदर्शन करते हुए सभी भाजपाइयों ने कांग्रेस भवन का घेराव किया।
इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और गेट पर चढ़ने की कोशिश भी की, जिसे वहां उपस्थित पुलिस बल ने नाकाम कर दिया। बता दें, देश के प्रधानमंत्री के संबंध में नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत द्वारा हेट स्पीच किए जाने के विरोध में गुरुवार को शनिचरी बाजार स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के समक्ष जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जिसमें विधायकों सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस संबंध में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। लगातार कांग्रेस के नेता 2002 से मोदी जी पे लांछन लगाते हुए आ रहे हैं। कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी चाय वाला बोलते हैं, कभी कांग्रेस पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान को बोलते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए आप सहयोग करिए, कभी चौकीदार चोर बोलते हैं, कभी बोलते हैं सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, इस प्रकार मन गढ़ंत। लेकिन अब हद कर दी, चार बार का सांसद जो व्यक्ति रहा हूं, केंद्रीय मंत्री रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हूं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं, और अभी नेता प्रतिपक्ष है, वो मोदी जी का सर डंडे से फोड़ने की बात करता है। शर्म आ रही है उसकी बात पर। उसकी उसकी जो पत्नी है वो वर्तमान सांसद है और प्रत्याशी है कोरबा से। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता बौखला गए अपनी हार को देख करके। और जो सत्ता से बाहर किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को उनको वापस सत्ता सौंपी है, उससे वो बौखला गए हैं। इसलिए अनाप शनाप बोलना है, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 140 करोड़ की जनता में शामिल है, और मोदी जी के पास तो वो बाद में पहुंच पाएंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ना पड़ेगा, उनके सर फोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर कार्यकर्ता मोदी जी का परिवार है। ये प्रदर्शन भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया कांग्रेस के खिलाफ, और इसमें पीसफुल प्रदर्शन था, और इसमें करने के बाद वो शांतिपूर्वक समाप्त किया गया। पुलिस ने इसमें व्यवस्था बनाए रखी और इसमें कोई भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। सर कितने बल लगे थे लगभग? इसमें लगभग 15 बल लगे। एसीएन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में कायम कानून व्यवस्था का जायजा लेने दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने देर रात अपनी बुलेट से शहर का गश्त लगाकर विभिन्न थानों का औचक निरीक्षण किया। दुर्ग शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने व पिकेट ड्यूटी में लगी पुलिस व्यवस्था की देखरेख के लिए अचानक गुरुवार की देर रात करीब 1 बजे दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला अपनी बुलेट पर सवार होकर शहर का गश्त करने निकले। इस दौरान उन्होंने घूम घूम कर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। इस गश्त की खबर जैसे ही पुलिस महकमे में पड़ी तो हड़कंप मच गया। इस बीच ड्यूटी पर तैनात जवान उन्हें गश्त करते मिले। वहीं इस दौरान एसपी जितेंद्र शुक्ला कई थानों में पहुंचे और औचक निरीक्षण किया, साथ ही थाने में मौजूद डायरी का भी अवलोकन किया। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव के चलते लगे आदर्श आचार संहिता का पालन बनाए रखने दुर्ग एसपी एक्शन मोड पर नजर आए हैं, जिसे शहर के कई थानों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्रीराम कथा समिति द्वारा हुडको दशहरा मैदान में 7 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आयोजन में श्रीराम ज्ञानी दास जी महाराज अपने श्रीमुख से श्रीराम कथा का वाचन करेंगे। कथा के प्रथम दिवस पर भव्य शोभा यात्रा हुडको HIG से निकाली गई। राम भक्तों ने नाचते गाते हुए कलश यात्रा में अपनी भागीदारी निभाई। आमदी नगर हुडको दशहरा मैदान गणेश मंडप में श्री राम कथा का भव्य आयोजन 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। इस 7 दिवसीय आयोजन में श्री राम ज्ञानी दास जी महात्यागी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराएंगे। श्री राम कथा के पहले 3 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा महिलाओं ने HIG से निकाली। HIG हुडको से प्रारंभ इस शोभा यात्रा ने लंबा सफर तय करते हुए दशहरा मैदान गणेश मंडप पहुंची। इस दौरान चौक चौराहों में भव्य आतिशबाजी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। महिलाएं यहां पर सिर पर कलश रखे भक्ति भाव से झूमती नजर आई। कलश यात्रा को लेकर महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी, साथ ही इसका उद्देश्य भी बताया।
रामकथा का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से तैयारी जोरों शोरों से हो गई है और हमारे उड़को की सभी बहनें एक ही कलर की साड़ी पहन करके कलश यात्रा के लिए एकदम तैयार हैं और सभी भगवान राम से यही कामना करते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत ही आगे बढ़े और विकसित देश बन जाए और हमारे हमारे भी देश में राम राज्य स्थापित हो जाए। जय 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 श्री राम। वह इस भव्य श्री राम कथा के आयोजक ने भी अपना उद्देश्य बताया। ये हमारा उड़को में 9 लोगों की समिति बना के हमने रामकथा समिति का आयोजन किया है। 9 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग सब मिलकर इस रामकथा को चारू से, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि आदमी को धर्म के प्रति समर्पित होना, जागरूक करना। हाँ, जागरूक करना। आज पहले दिन में कलश यात्रा में कहाँ से कहाँ तक की निकली कलश यात्रा? कलश यात्रा हमारा ये HIG से HIG 100 नंबर से पूरा रास मंडप तक निकाली गई है। इसका समापन कब है कथा का? कथा का समापन 10 तारीख को है। क्या क्या आयोजन इस दौरान किए जाएंगे? क्या क्या आयोजन होंगे कथा के अलावा? कथा के द्वारा और विशेष दूसरा कोई आयोजन नहीं है। भंडारा वगैरह? भंडारा रोज का भंडारा है, डेली का भंडारा है। ये भंडारा में सब लोग आके माँ भोग का ये का सेवन करें। आपका परिचय? मैं अशोक कुमार स्वामी उड़को में रहता हूँ। चार अप्रैल से प्रारंभ होने वाली श्री राम कथा का समय 5:30 बजे से 8:30 बजे तक किया गया है। गणेश मंडप दशहरा मैदान हुडको में इस भव्य आयोजन के लाख हजारों लोग साक्षी होंगे। ACN न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ACN न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज, नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है।
बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में लोगों को शत प्रतिशत मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने तथा मतदान करवाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान की अगली कड़ी में भिलाई नगर निगम सीमा क्षेत्र के विधानसभा क्रमांक 65 भिलाई नगर के 16 स्थानों में नवविवाहिता वधु, युवा मतदाता एवं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। विधानसभा 65 भिलाई नगर के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं डिप्टी कलेक्टर योगिता देवांगन, भिलाई नगर के तहसीलदार पंच भाई गुरुदत्त ने वरिष्ठ नागरिकों नवविवाहिता वधु का तिलक लगाकर सम्मान किया एवं साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वयं के मतदान के साथ लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश पर मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत वाहन रैली निकालकर स्वीप का आकार देकर एक मतदाता जागरूकता पूरे शहर में दोनों विधानसभा क्षेत्र में चलाया गया था। दूसरी कड़ी में मैडम सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जो है योगिता देवांगन मैडम, डिप्टी कलेक्टर भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्रमांक 65 के, तो उनके निर्देश पर नव वधु एवं युवा मतदाता तथा वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने का आयोजन किया गया है। 16 स्थानों पर भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के 16 स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत लोगों को सम्मानित करके गुलाल टीका लगाकर उनको सम्मान करके ये प्रेरित किया जा रहा है कि आप स्वयं मतदान करेंगे और साथ में अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे, इस उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान में लोगों की भागीदारी लगातार देखने को मिल रही है। देखना ये होगा कि जिस तरह जागरूकता अभियान में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, क्या वैसे ही लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। चाकू की नोक पर लूटमार करने वाले फरार तीन आरोपियों में से प्रमुख आरोपी को दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा है, वहीं अन्य दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। दुर्ग के राजीव नगर वार्ड निवासी डोमेंद्र प्रसाद देवांगन के साथ बीती रात तीन लोगों द्वारा चाय नाश्ता की दुकान पर घुसकर जबरन गाली गलौज कर चाकू की नोक पर गले में रखे करीब 4,000 रुपए और मोबाइल फोन से UPI पिन के माध्यम से करीब 44,000 ट्रांसफर कर मोबाइल लेकर फरार हो गए थे। तीनों आरोपियों में से एक सैफ ईरानी को मोहन नगर थाना पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें, चाकू टिकाकर 44,000 रुपए की लूट को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है,
जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट के 1000 रुपये और धारदार चाकू को बरामद किया है। इस मामले में प्रार्थी डोमेंद्र प्रसाद देवांगन, जो कि राजीव नगर वार्ड 2 का निवासी है, थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया था। इसके बाद एक्शन में आई दुर्ग पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए टीम बनाकर आरोपी की खोजबीन शुरू की और आखिरकार आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। साथ ही मामले में 2 फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। मामले को लेकर एडिशनल SP ने प्रतिक्रिया दी। महानगर का मामला है, ये प्रार्थी के द्वारा शिकायत की गई थी थाने में आकर कि एक जो पद्मनाभपुर का जो बदमाश है सैफ ईरानी करके, वो व्यक्ति आया है और उसके साथ चाकू के नोक पर 40,000 से अधिक रुपए उसे जबरदस्ती ले गया है लूट करके। तो थाने में सूचना मिलने पे तत्काल उस पर FIR किया गया और टीम रवाना किया गया, उसकी घेराबंदी करके गिरफ्तारी की गई है और आरोपी अभी फिलहाल गिरफ्तार है। माननीय न्यायालय में उसको पेश कर दिया गया है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के बोरसी भाटा में बिना परमिशन के वृक्ष काटे जाने के बाद ट्रैक्टर में लोडिंग करते समय राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। दुर्ग शहर में इन दिनों आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और आचार संहिता का पालन करने के साथ ही शहर में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने शहर के चौक चौराहों पर मुस्तैदी से नजर रखी जा रही है। इस बीच दुर्ग के बोरसी भाटा में जहाँ बिना अनुमति के एक विशाल वृक्ष को काट दिया गया, काटा गया वृक्ष गंगा इमली का है, जिसे ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोड कर ले जाया जा रहा था। तभी राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली और काटी गई लकड़ी को जब्त किया। बता दें बोरसी भाटा के जमीन मालिक के खिलाफ कार्रवाई तय की जा रही है। जिस जगह से पेड़ काटा गया है उसकी जमीन मालिक का नाम राधेश्याम यादव और बेटे का नाम भूषण यादव है। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली और काटे गए गंगा इमली वृक्ष के तनों को पद्मनाभपुर थाने की अभिरक्षा में रखा गया है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।